बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनों हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान में शदीद सैलाब की वजह से बहुत से इलाके मुतासर हुए। वहीं एक ऐसी कब्र खुली जिसको देखकर लोग बाग निकले और कानों को हाथ लगाने लगे। जब मुर्दे को उसके रिश्तेदार कब्र में रखकर जाते हैं, मुर्दा उनकी जूतियों की आवाज़ सुनता है। इस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। फरिश्ते उससे पूछते हैं, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? ये आदमी कहेगा, वो अल्लाह के रसूल हैं। वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया? ये कहेगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। फिर फरिश्ते जन्नत का दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही ये दरवाज़ा खोलते हैं, जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएँ और खुशबू आने लगती है। इसकी कब्र कशादा, इसमें रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। अगर ये आदमी काफिर हुआ तो कहेगा, अफसोस मैं नहीं जानता। फरिश्ते इसको लोहे के हथौड़ों से मारते हैं। कब्र इसको इस कदर दबाती है कि इसकी पसलियाँ एक साइड से दूसरी साइड पर चली जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की फरिश्ते खोल देते हैं। जब तक क़यामत ना आएगी, ये इसी तरह इसी अज़ाब में मुबतला रहेगा। ख़वातीनों हज़रात, लाहौर के करीब दरियाए रावी में पानी आया। करीब की कब्रों में जब पानी दाखिल हुआ, एक कब्र खुली तो कुछ लोगों ने देखा, एक मुर्दा पड़ा है, उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा है। जब ये डंग मारता है तो पूरी लाश जल जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वो लाश अपनी असली कैफियत में आ जाती है। वो कीड़ा फिर डंग मारता है, लाश वैसी की वैसी हो जाती है। वहीं एक नौजवान खड़ा था, उसने कैंकर उठाई और इस कीड़े को मारी। वो कीड़ा उछला और इस नौजवान की पेशानी पर आकर बैठ गया। उसने ऐसा डंग मारा, वो नौजवान वहीं बैठकर तड़पने लगा। लोगों ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? नौजवान कहने लगा, मुझे ना किसी बिच्छू ने और ना किसी सांप ने काटा है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आग का शोला मेरे बदन पर रख दिया गया हो। मेरे जिस्म के एक एक अज़ा से चिंगारियाँ निकल रही हैं। चनाचे ये नौजवान 3 दिन तड़पने के बाद इंतकाल कर गया। अल्लाह ताला हमें अजाब कब्र से महफूज रखे। हमें हमेशा अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। ऐ अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से पनाह चाहता हूँ।